अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अपना किचन। मेरा नाम है राहत और आज हम बनाएंगे साबूदाना वड़ा। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 3 मीडियम साइज़ आलू जिसे बॉईल करके मैश कर लेंगे। साबूदाना जिसे वॉश करके 30 मिनट तक भिगा लेंगे। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, 1 पिंच हल्दी, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, कोथमीर, 5 हरी मिर्ची। अगर आप तेज़ वाली यानी डार्क हरी मिर्ची ले रहे हैं तो 5 ले, और अगर लाइट हरी मिर्ची ले रहे हैं तो 8 हरी मिर्ची लेंगे। मूंगफली जिसे रोस्ट कर लेंगे और कवर रिमूव कर लेंगे। अब एक जार में रोस्टेड मूंगफली डालकर इसे दरदरा पीस लेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हरी मिर्ची और कोथमीर कट कर लेंगे। एक बोल में मैश आलू लेंगे, इसमें साबूदाना डालेंगे, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, फिर सारे मसाले डालेंगे, ज़ीरा, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्ची पाउडर, नमक, हल्दी। अब बारीक कट की हुई कोथमीर हरी मिर्ची डालेंगे। अब मूंगफली का पिसा हुआ दरदरा पाउडर डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर इसे हाथ की मदद से अच्छे से मिला लेंगे। अब मिक्सचर में से थोड़ा हिस्सा लेकर इसे वड़े का शेप देंगे। चाहे तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं। इसे एक प्लेट में रख देंगे। ऐसे ही सारे वड़े बनाते जाएंगे और वड़े रेडी कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में तेल लेंगे। हमें वड़ों को डीप फ्राई करना है। आप चाहे तो इसे पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। फिर एक एक करके वड़े डालेंगे। हमें इन्हें थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर डालना है, वरना ये एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगे। जब ये एक साइड से फ्राई हो जाए, इसे पलटा लेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। जब ये वड़े ऊपर आ जाए, इसका मतलब है कि ये अंदर से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें एक एक करके निकाल लेंगे। लीजिए, तैयार है साबूदाना वड़ा। ऐसे ही अच्छे अच्छे रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हमें अपने फीडबैक ज़रूर दें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।